What's up guys, welcome back to another video। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं एक्वी व्लॉग चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मैजेसिक मैनेजर। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मैजेसिक मैनेजर है क्या। तो मैं एक मिनट का टाइम लूंगा और मेरा काउंटडाउन शुरू होता है अब। तो बेटा जो मैजेसिक मैनेजर है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको रूट एक्सेस भी मिलता है और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे मॉड्यूल भी देखने को मिल जाएंगे जिसके वजह से आप अपने फ़ोन के अंदर और अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन कर लेंगे। जैसा आप पहले जब आपका फ़ोन रहता था आपके अंदर प्राइवेसी रहती थी, आप उस फ़ोन को रूट करके एक्सपोज जैसे मॉड्यूल डालते थे, उसी तरीके से ये मैजेसिक मैनेजर भी है। एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर आपको रूट एक्सेस भी मिल जाता है। आप सुपर शो वगैरह उसमें चीज़ें हार चुकी है तो इसके अंदर ही आपको रूट एक्सेस ही मिलेगा और उसके अंदर आपको अलग अलग मॉड्यूल दिखेंगे जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से अपने मोबाइल को और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हैं किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपन अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी कुछ फाइल्स है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैजेस्टिक मैनेजर्स की कुछ ऐप्स है, कुछ जिप फाइल्स है, इसको फ्लैश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं गूगल क्रोम पर और जो आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है मैजेस्टिक मैनेजर, ठीक है। जैसे आप मैजेस्टिक मैनेजर टाइप करेंगे तो आपको जो सबसे पहली जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर टैप करना है। तो जैसे ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाए बस आपको सिंपली डाउन करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर आपको 2 MB के करीब का आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड मैजेस्टिक मैनेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक और पेज ओपन होगा, आपको सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका ऐप जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ओके करना है, यहाँ से ऐप का ऐप डाउनलोड हो गया। बस आपको सिंपली नीचे जो क्लिक है उस पर वापस पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे, और आपको डाउन साइड में जाना है एकदम नीचे की तरफ। वहाँ पर आपको एक जिप फाइल मिलेगी, उस जिप फाइल को भी डाउनलोड करना है। तो बस आपको सिंपली डाउनलोड मैजेस्टिक 20.3 5.4 MB मैजेस्टिक.zip फाइल, बस आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गया, आप डाउनलोड कर लेना इजीली। यहाँ से जो हमारी जो दोनों फाइल्स थी, ऐप भी और जो क्या बोलते हैं मैजेस्टिक जो जिप फाइल थी, वो दोनों इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो बस सिंपली मैं आपको इसका ऐप जो है उसको इंस्टॉल करता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा मैजेस्टिक इंस्टॉल है कि नहीं। तो सिंपली इसको इंस्टॉल पे क्लिक किया मैंने और यहाँ मेरा मैजेस्टिक मैनेजर था वो इंस्टॉल हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं आपको ओपन कर उसको आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं जो मेरा मैजेस्टिक जो है वो अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है। आपको मेरे स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा जो मेरा मैजेस्टिक मैनेजर वो इंस्टॉल्ड नहीं है। आपको अपने को वही इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको करना है पूरा सब कुछ बंद करना है और आपकी जो फाइल्स थी वो आपको पता है कि इधर डाउनलोड ऑप्शन में, बस आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, यानी पावर ऑफ करके बंद करना है। अब अपन चलेंगे रिकवरी मोड। तो जो मेरा ये फ़ोन है वो Redmi 4 है, तो इसकी रिकवरी कैसे ऑन होगी? पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप की बटन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली प्रेस करके दबाना है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी जो TW रिकवरी है वो चालू हो जाएगी। तो मैजेस्टिक का एक रूल ये है कि आप जो मैजेस्टिक मैनेजर उसको डायरेक्ट इंस्टॉल किसी भी फ़ोन में नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उस फ़ोन के अंदर TWRP रिकवरीज या फिर CWM रिकवरी या फिर जो ये मेरी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है वो इंस्टॉल किया हूँ। अब मैं बात करता हूँ एरर की। जो सबसे ज़्यादा एरर जो आते हैं वो TWRP रिकवरी में आते हैं कि भाई बराबर से इंस्टॉल हो नहीं पाता, बहुत किस्म के एरर आते हैं। तो आप अपने फ़ोन के हिसाब से, अपने मॉडल नंबर के हिसाब से ऑरेंज फॉक्स नाम की एक रिकवरी फाइल आती है, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसको TWRP में भी फ्लैश करेंगे तो आपका ऑरेंज फॉक्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, बस आपको सिंपली चूज़ करना है कि आपने वो फाइल रखी कहाँ थी। बस आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। जहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेरा मैजेस्टिक 20.3 वो आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिंपली इस पर टैप करना है और उसमें सीधा स्वाइप टू इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। आप इस जो ऑरेंज फॉक्स जो TWRP रिकवरी वो सबसे बेस्ट है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आता, ये इजीली कोई भी फाइल को इंस्टॉल कर देता है। लेकिन TWRP के अंदर आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलते होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, एरर 1 एरर 7 करके बहुत सारी एरर आती है जिसमें आपको बहुत सारी दिक्कत देती है, लेकिन इसके अंदर आपको ज़रा भी एरर नहीं आएगा।
तो फाइनली आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो मेरा बूट जो रिकवरी फाइल सॉरी जो मेरी जीप फाइल थी क्या होती है मैजेस्टिक मैनेजर की, वो एकदम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। बस आपको सिंपली रिबूट सिस्टम पर क्लिक करना है और आपका फ़ोन एक बार रिबूट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फ़ोन रिबूट होगा तो आपको जो मैजेस्टिक मैनेजर है वो इंस्टॉल हो गया प्रॉपरली बिना किसी एरर के। तो आपको सिंपली जो आपके फ़ोन के हिसाब से जो रिकवरी बेस्ट होती है ऑरेंज फॉक्स की तरफ से, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप अपने मॉडल नंबर के हिसाब से ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपके यहाँ पर मैजेस्टिक मैनेजर इंस्टॉल हो गए, आप इसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो यहाँ आप जैसे मेरा मैजेस्टिक ऐप भी इंस्टॉल हुआ, मैजेस्टिक जिप फाइल भी इंस्टॉल हुआ, आपको सिंपली इसका ऐप को ओपन करते और चेक करते कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से आप देख पा रहे जो मेरा मैजेस्टिक मैनेजर था वो प्रॉपरली उसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। आपको ऊपर दिख रहा होगा सब कुछ, जो पहले था वो रेड आ रहा था, अभी प्रॉपर इंस्टॉल हो गए। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ मेरा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। आप इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा कि भाई कौन कौन से मॉड्यूल सबसे बेस्ट होते हैं, क्या क्या फीचर्स है इस मॉड्यूल के अंदर, और आपको इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया। तो फिर मेरे को मैं इसी तरह अंगार आतंक पालू नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक नंबर, टेक केयर एंड बाय बाय।